लाजमी भी है, स्वाभाविक भी है। बावजूद सेहत खराब होने के, कमर में जो चोट लगी है भाई रणदीप जी के, उसके बावजूद ये समय निकाल करके आज ये वर्कर मीटिंग में और नरवाना में चुनाव का कार्यालय खोलने के लिए ये पहुंचे, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जहां बड़ा भाई बोल ले और ऊपर से वो पूरे कांग्रेस का मीडिया का प्रभारी हो तो बहुत ज्यादा गुंजाइश बचती नहीं। सारे एक से एक मुद्दे उन्होंने प्रदेश के सरकार के खिलाफ क्या क्या मुद्दे हैं, सरकार ने, केंद्र की मोदी सरकार ने, प्रदेश की खट्टर सरकार ने क्या क्या नहीं किया और क्या क्या नहीं किया, कुछ भी नहीं करा भाई सरकार ने, इतनी निकम्मी सरकार है, सारा तो वो इन्होंने बता दिया। और कांग्रेस के घोषणा पत्र में कांग्रेस क्या करेगी भाई साहब, रुक, अच्छा आ जाओ जी मंत्री, हाँ कोई नहीं जी, कोई नहीं, आ जाओ। पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य जी भी पहुंचे भाई, इनका भी स्वागत है। और सारे घोषणा पत्र में हर वर्ग के लिए, किसान के लिए, खेतीहर मजदूर के लिए, गरीब के लिए, छोटे दुकानदार के लिए, छोटे व्यापारी के लिए, नए आने वाले समय में जो अपने उद्योग धंधे स्थापित करेंगे। अभी नौजवान सोच रहे होंगे भाई मोदी ने तो मुद्रा मुद्रा से कुछ नहीं किया, अब ये कांग्रेस की सरकार बना करके अगले 5 साल में अपना अपना उद्योग धंधा स्थापित कर देगा, ऐसे सोच रहे हो ना? तो मेरे भाइयों, राहुल जी के हाथों को मजबूत करो और उसके साथ साथ हर वर्ग की आवाज उठाने का जो संकल्प है कांग्रेस पार्टी का। अभी रणदीप भाई बता रहे थे कि मोदी जी ने कहा कि नौजवानों को हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, 5 साल में कितने बन गए, 10 करोड़ रोजगार। 10 करोड़ नहीं दे पाए, केवल 20 से 25 लाख लोगों को रोजगार दे पाई है सरकार, और नोटबंदी में उल्टे 4.5 करोड़ लोगों के रोजगार छीन लिए, टोटल मिलाकर के कितना हो गया, 14.5 करोड़ रोजगार एक तरीके से 5 साल में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने छीनने का काम किया। तो नौजवानों भी जागो, किसान के बारे में अभी भाई साहब ने चर्चा करी कि किस तरीके से हमारे समय में फसलों के दाम थे, कैसे जमीनों की कीमतें उठी। कल किसान मेरे को मिले थे, वहां सिरसा में था, बोले जी कांग्रेस के समय में थे हम करोड़पति और अब है रोड़पति। ये लोगों की बातें हैं। और फिर कहीं और इंटरेक्शन करते हैं, लोगों से मिलते हैं, बोले भाई चौकीदार लगा लो 1,000,00,000,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 
लेकिन हम मजबूती से देखो एक बात है, कई बार छोटे मोटे मतभेद हैं, इसमें भी कोई आपको कांग्रेस पार्टी है भाई, आपस में छोटे मोटे, ये लोकतंत्र होता है तो छोटे मोटे मतभेद भी चलते रहते हैं, लेकिन उसका खामियाजा भी हमने भुगता है। लेकिन अब अगर आप ये छोटी बातों को लेकर के, और आपस में मैं समझता हूं कि एकजुट होकर के तालमेल के साथ पूरी मजबूती से संघर्ष नहीं करोगे तो फिर जो है सत्ता इतनी आसान भी नहीं है। माहौल हमारे पक्ष में है, अभी रोड से उस दिन निकले, बस यात्रा आई, भाई साहब तो राहुल जी के साथ उस दिन आए थे, लेकिन हम पहले घूमते हुए तीसरे दिन जब यहां पर आए, पूरी रात को हम 11-12 बजे के बीच में पहुंचे थे भाई साहब, भाऊजी 11 बजे के आसपास, सारे तो रास्ते में लोग थे, रात को पूरा नरवाना था। और मैं समझता हूं कि ऐसा लगता है जब नरवाना आते हैं कि भाई यहां तो और किसी का कुछ मतलब ही नहीं बनता, ना किसी का कोई जनाधार है ना कुछ है, लेकिन फिर जब हम आते हैं तब तो रणदीप जी आए, मैं आऊं, बड़े सुरजेवाला जी आए और नेता आए, तब तो सक्रियता बढ़ जाती है, लेकिन उसके बाद वो सक्रियता कम हो जाती है। अब ये रिजर्व हल्का है, बनना रिजर्व का ही है, हमारा साथी कोई भी, कोई हमारी बहन हो, कोई हमारा भाई हो, उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि जिसने चुनाव लड़ना होता है वो ज्यादा ताकत के साथ काम करता है। लेकिन उसके साथ साथ जो संगठन के सारे आगू रहे, जो यहाँ पर कभी नगर पालिका के अध्यक्ष रहे, एमसी रहे, जिला परिषदों के मेंबर रहे, हमारे तमाम और जो ब्लॉक समिति के लोग हैं गांव में, आज कांग्रेस पार्टी, आज हम तो 10 साल से चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ पर, लेकिन आप तो यहाँ तीसरी चौथी पीढ़ी कांग्रेस के लिए हो, अपना अपना